Assalamualaikum. आज मेरे पास है रूबिक्स क्यूब 3x3, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, तो समझने की बात यह है कि ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, येलो साइड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हमने बनाना है यहाँ पे क्रॉस। सबसे पहले जितने भी हमारे व्हाइट एच पीसेस हैं उनको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। जैसे ये ग्रीन है यहाँ पे, ये रहा वायर, इसको हम इधर फिक्स कर देंगे, तो ये रहा एक वायर, इसको इधर फिक्स कर देंगे। तो ये कैसे करना है आप लोग मेरे साथ करोगे, घुमा घुमा के हम घुमा के रख देंगे इसको। तो चलो पहला हमारा हो गया, दूसरा हम देखते हैं कि कहाँ है हमारा एच पीस। तो हमारा एच पीस ये रहा, इसको भी हम घुमा घुमा के फिट कर देंगे। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी हम हमारे सारे के सारे एच पीसेस फिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो के साथ मैं वाइट वाले एच पीसेस लगा रही हूँ, ठीक है। वाइट वाला पार्ट हमने नीचे रख दिया है और येलो स्पॉट हमने ऊपर ले लिया है। ये रहा हमारा एक और थर्ड एच पीस, तो इसको भी हम घुमा घुमा के फिक्स कर देंगे। अब हमें चाहिए एक लास्ट, और लास्ट वाला हम देख लेते हैं इसी तरह से कहाँ है। और लास्ट ये रहा छोटू छुपावा, जल्दी से हम इसको घुमा के इधर फिक्स कर देते हैं। और ये हो गया जी, यिप्पी, हमारा फर्स्ट जो रूल है वो तो हो गया, हमने क्रॉस बना लिया है। अब चलते हैं हम सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल में हमने क्या करना है, देखो हमारे जो सेंटर पीस है हमारे एच पीसेस के साथ मैच नहीं हो गए हैं, एक डिफरेंट कलर्स के, तो हमें इनको मैच करना होगा। कैसे, देखो ऑरेंज पर्पल से नहीं हो रहा, पर्पल पर्पल से मैच हो चुका है, तो इसको हम घुमा के अपसाइड डाउन कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना ये रेड वाला पार्ट, रेड वाला स्पॉट हमारा सेंटर वाला, रेड रेड से मैच कर दिया और इसको घुमा के नीचे। इसी तरह से ग्रीन को ग्रीन से मैच करेंगे, लेकिन ऊपर ऑरेंज है, हमें वाइट वाला चाहिए, एच पीस हमारा वाइट कलर का होना चाहिए। अब हम इसको घुमा के नीचे कर देंगे क्योंकि पूरा मैच हो चुका है, अपसाइड डाउन। और फिर हमारा लास्ट पीस रह गया है, ये वाला वाइट और ऑरेंज मैच हो चुका है, अब हम इसको भी घुमा के नीचे ले जाएंगे। अब हम करते हैं अपनी अगली तैयारी, जो कि हमें चाहिए अब अपने कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस हमें चाहिए वाइट वाले, ठीक है। तो जैसे ये एक कॉर्नर पीस है, ये वाले सारे कॉर्नर पीसेस होते हैं, इनका कॉर्नर नाम है, ये याद रखना। चलो तो हम इसको फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करेंगे, देखो ये हमारे पास वाइट का कॉर्नर है। अब हमें देखना ये है कि इसका जो ये वाला पीस है ना, ये सेंटर पीस से मैच होना चाहिए। जैसे ये रेड है तो अब हम इसको रेड की तरफ लेके आ गए, ये रेड से मैच हो चुका है अच्छे से, देख सकते हो तुमको। और इस वाइट को हमें नीचे लेके जाना है, रेड रेड से मैच हो गया। ग्रीन ऊपर देख सकते हो तुम लोग, ग्रीन तो ये भी रहा, तो ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया है और रेड रेड से। हम इसको कैसे करेंगे, उस साइड पे क्योंकि हमारे देखो रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ऊपर करेंगे, वापस घुमाएंगे, नीचे ले जाएंगे। प्लीज़ इसको याद कर लो, किसी तरीके से भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी रूबिक्स के साथ। ये हमारा फिक्स हो चुका है, रेड रेड के साथ ग्रीन ग्रीन के साथ नीचे जा चुका है। अब हम और कॉर्नर पीसेस देखेंगे। अब देखो ये हमारा बॉटम पे है, ये हमारा आसान होगा इसका भी जो देखना से उनके लिए, ये रेड रेड से मैच हो रहा है, ब्लू की साइड पे है, पता नहीं वीडियो में क्यों ये पर्पल कलर आ रहा है, लेकिन ये ब्लू है। रेड रेड से मैच किया, ब्लू से मैच किया, वापस घुमाया, ऊपर किया, वापस घुमाया, नीचे किया, और हमारा रेड और ब्लू भी फिक्स हो गया। अब हम देखते हैं ये ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला, देखो साइड में ग्रीन है, ऊपर ऑरेंज है, ऑरेंज ऑरेंज के साथ जा रहा है और ग्रीन ग्रीन के साथ जा रहा है, तो इसको भी सेम उसी तरह फिक्स करेंगे, घुमा देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर लाएंगे, वापस नीचे फिक्स। अगर लास्ट वाला रह गया, उसको ध्यान से देखना और दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे सबसे पहले, तो ठीक है मैं गलत ले गई तैयारी मैंने कर दिया, हाँ ऐसे ठीक है, ताकि ये हमारे फेस फ्रंट पे आ जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह से करेंगे, ब्लू वाला देखो मैच हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गए, वापस घुमाए और नीचे, फर्स्ट ईयर मजाक मजाक में लो जी हो गई कंप्लीट, ये
देख लो कितना मुझे घुमाने में मजा आ रहा है। जिंदगी में पहली बार ये होता है ना तो बहुत खुशी होती है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर को कैसे फिक्स करेंगे? हम सेकंड लेयर को ऐसे फिक्स करेंगे कि देखते जाओ मेरी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।